गैरियोक, इसके साथ मेरा नाता कुछ अलग है। मुझे ये पसंद है उसके एरोगेंस की वजह से, जो ये कभी कभी दिखाता है, बट मोस्टली ये इसी की वजह से मेरा लीस्ट फेवरेट ट्राइवल्स में से एक है। पर गैरी को कौन नहीं जानता, एक पोकेमोन प्रोफेसर का पोता, और ऐसे किसी ट्रेनर के लिए इतना एटीट्यूड तो ठीक है। पर सच में गैरी डिजर्विंग भी है, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत बहुत ही ऑसम पोकेमोन्स है। एंड अ फैक्ट कि वो बस दो ही रीजन में घुमा है, मतलब उस हिसाब से उसके पोकेमोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सो करंटली गैरी प्रोफेसर रोवन की मदद कर रहा है सिनोर रीजन में, और वो अपने ग्रैंडपा के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। पर फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या हो अगर गैरी वापस पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहे, ऐसे में उसकी सबसे ताकतवर टीम कौन सी होगी उसके करंट पोकेमोन्स के साथ। वेल, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट मी एक्सप्लेन। इस वीडियो के पोकेमोन किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ टीम की बात करेंगे, सो डोंट वरी। तो पहले नंबर पे है ब्लास्टोइज। ये गैरी का स्टार्टर पोकेमोन था, और गैरी के साथ इसका एक काफी गहरा सा बॉन्ड है। ब्लास्टोइज ने गैरी को काफी टफ सिचुएशंस में हेल्प की है, जैसे कि उसने ऐश के चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोअर अटैक को डॉज कर दिया था। ऐसे डॉज नहीं किया था, खुद पे लेकर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट एनीवे वो सच में बहुत स्ट्रांग है। सो अगर गैरी ब्लास्टोइज को वापस लाने की कोशिश करता है, तो वो उसे मेगा स्टोन दे सकता है, ताकि उसकी पावर और इन्हेंस हो जाए और वो काफी कूल हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है वन ऑफ माय फेवरेट पोकेमोन, जो कि है आरके9। यू सी दैट मैंने आरके9 की जगह पे आरके9 कहा। यू गेट दैट? लेट इट बी, व्हाटएवर। सो आरके9 और गैरी का बॉन्ड भी काफी झकास है। मतलब गैरी का आरके9 म्यूटू से लड़ चुका है भाई, म्यूटू से। यहाँ तक के जैपनीज डब में गैरी ने आरके9 की पोकेबॉल को किस करते हुए उसे हनी तक कहा है। सच में इन दोनों का रिश्ता काफी अलग है, और ये गैरी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। नेक्स्ट है अमरियन। अब ये क्यों? वेल, यू सी एनिमे में गैरी और अमरियन कई बार अपेयर हुए हैं। गैरी को अमरियन ईवी के रूप में मिला था, जो कि लेटर इवॉल्व हुआ अमरियन में, और गैरी के साथ साथ मेरा भी फेवरेट बन गया एनिमे में। सो गैरी ने एनिमे में अमरियन को एक एलेक्जाम के अगेंस्ट में लड़ाया था, और जब अमरियन उससे लड़ रहा था तो उसने एलेक्जाम के सारे मूव्स डॉज कर लिए थे। वो देखते ही मैं उसका फैन हो गया था। सो आई थिंक गैरी उसे ज़रूर वापस लाएगा, क्योंकि एक फैक्ट है कि जब गैरी सिनोर रीजन में गया था ना, तब उसने अपने सिर्फ 3 पोकेमोन लेके गया था, जिसमें से एक था ब्लास्टोइज, दूसरा अमरियन, और तीसरा हमारा नेक्स्ट पोकेमोन इलेक्ट्रावायर। ये गैरी का वन ऑफ द न्यूएस्ट पोकेमोन है, पर फिर भी दिस थिंग इज सर्वशक्तिशाली एज गायतोंडे। मतलब इसके पास थंडर पंच से लेकर थंडर तक के सारे सारे इलेक्ट्रिक मूव्स है, और इवेंचुअली गैरी उसे अपने साथ ले गया है, जिसका मतलब है कि वो स्ट्रांग हो गया होगा। राइट। नेक्स्ट अप वी हैव सीजर, सीजर स्ट्रांग, स्पीडी और हैंडसम। सीजर के पास सब कुछ है, और नो डाउट ये गैरी का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन है। सो इवेंचुअली अगर बात की जाए ना, तो जोटो लीग में गैरी के सीजर ने तबाही मचा दी थी। ओवरऑल दिस इज अ डिजर्विंग स्पॉट फॉर हिम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीडो क्वीन। हाँ, मुझे पता है गैरी के पास दोनों नीडो किंग और नीडो क्वीन है, बट स्पेसिफिकली गैरी की नीडो क्वीन ज्यादा पावरफुल है। यू सी, गैरी ने उसे जोटो लीग में यूज किया था, और एनिमे में उसने कहीं कहीं उसे यूज किया है, बट स्पेसिफिकली जोटो लीग में उसने ऐश के टॉरस को उसके सींगों से पकड़ के घुमा के फेंक दिया था। और फाइनली सम हॉनरेबल मेंशन, ये देना जरूरी है, वरना किसी के फेवरेट पोकेमोन छूट गए तो वो कमेंट्स में बहुत बहुत कुछ लिखते हैं। सो सबसे पहले है गैरी का किंगड्रा, फिर है उसका मैगमार, फिर है डॉड्रियो, और फिर भाई का नीडो किंग, 'cause इट्स अ बीस्ट।
एंड देयर यू हैव इट, एक और फन और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट के लिए भाई को मोटिवेट करो। एंड अनटिल देन यू नो दैट गैरीज बेस्ट पोकेमॉन्स आर नाउ जस्ट एक्सप्लेन्ड। Thank you.